साथियों, आज हम लोग जो है जो हमारा मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीकी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ से आयोजित हो रहा था, आज उसका तृतीय दिवस है। 2 दिन जो हमारे प्रशिक्षु गण हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारी महिला बहनें भी हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो ये आज हम लोग जो है ये आज का दिन हम लोगों ने जो हमारे पूर्व में जो प्रशिक्षु रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के श्री तनवीर राशिद साहब, जो पहले कृषि विज्ञान केंद्र से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था सितंबर में, जब सितंबर 2021 में हमने एक इसी तरह से वो एक व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किया था, तो उसमें आपने प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपना मशरूम का इन्होंने इकाई की स्थापना की है। और निश्चित रूप से जो मशरूम उत्पादन में जो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे काफी युवा जो जनपद के हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, वो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपनी उद्यम की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि कृषि आधारित उद्यम जो है वो आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, उसमें ये काफी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और जैसे जो पूर्वांचल में हम जानते थे कि हमारे किसान भाई जो है धान गेहूं के आधारित फसल चक्र पे निर्भर हैं, तो अब जो है ये हमारे किसान भाई जैसे मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, नर्सरी उत्पादन का काम कर रहे हैं, कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से तमाम ऐसे जो है हमारे उद्यम है छोटे छोटे, जो हमारे मध्यम और जो लघु सीमांत जो हमारे किसान हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होने जा रहा है। और इसमें सभी लोगों की भूमिका है, जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं, जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे मीडिया के लोग हैं, सारे लोगों की इसमें भूमिका है कि इसका प्रचार प्रसार मशरूम का जनपद में ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, जिससे जो हमारे युवा हैं संगठित होके एक समूह बना के या किसान उत्पादक संगठन बना के वो मशरूम उत्पादन कर सकें। और बहुत से युवा जो है हमारे जैसे जो मशरूम की किस्में होती हैं, बटन मशरूम, ओयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, जो ज्यादातर हम अपने इधर पूर्वांचल में इसके उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से भी हमारे युवा जो है वो इसके मूल्य संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं। जैसे बटन तो फ्रेश भी बिक जाता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं होती है और काफी लोग इसको अपना भी रहे हैं। अब धीरे धीरे इसकी एरिया हमारे जनपद में काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। और ओयस्टर में जहां तक ओयस्टर की बात है, जो ढीगरी मशरूम है, उसमें चूंकि फ्रेश मशरूम बिक्री करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, इसलिए बहुत से युवा उसके जैसे बिस्किट, पापड़, अचार, उसका चूर्ण जो है, पाउडर, इस तरह के तमाम जो है प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। और आने वाले समय में हम जो है विभागों से उनको कुछ हेल्प कराएंगे, जैसे कि अभी कल परसों आपने देखा था कि जो हमारा उद्घाटन सत्र था प्रशिक्षण का, उसमें जिला उद्यान अधिकारी जी भी आई थी और उन्होंने हमारे प्रशिक्षणार्थियों को आश्वस्त भी किया था कि जो भी विभाग से सहयोग होगा वो उनको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हमारा मशरूम निकल नहीं रहा है और खुल जा रहा है जो थोड़ा बहुत निकल रहा है। जी देखिए, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे पे ही आपका कैप खुल जा रहा होगा, तो उसमें यही करिए कि उसको 3-4 घंटे जो है फ्रेश एयर देने की व्यवस्था करिए, और एक बार जब वो थोड़ा सा टूट जाएगा आपका, तो अगली बार जब फसल आएगी तो वो ठीक सी आएगी। इसको पानी देने का क्या तरीका है कि ये मशरूम फ्रेश फ्रेश निकले, जिसके में दाग धब्बे ना आए? मैम, जैसे जो धब्बे की बात है, धब्बे तो देखिए कई कारणों से होते हैं। अगर जैसे इसमें जो है क्रॉस वेंटिलेशन भी होना चाहिए आपके जो ये बना हुआ है जो यूनिट है, कि जिससे जो है, चूंकि मशरूम जब उत्पादन करते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ता है और अगर वो निकलेगा नहीं सही से, तो फिर क्या होगा कि उसमें जो है फिर दाग धब्बे आते हैं मशरूम पे। और जो पानी छिड़कने की बात है, तो पानी अगर छोटी यूनिट है आपकी, तो फवारा जैसे करते हैं वो हाथ से, या फॉगर्स आते हैं अलग अलग क्वालिटी के, तो उससे हम इनको पानी दे सकते हैं, जिससे कम समय में ज्यादा अच्छी तरह से हम फवारेदार सिंचाई इस पे कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा नाम तनवीर रशीद है, मैं आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ।
कोविड की वजह से बेरोजगार हो जाने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आप मशरूम की खेती करें जो कि अच्छा है। तो उसके उसमें रुझान होने की वजह से मैंने पिछले सत्र में सितंबर में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा से प्रशिक्षण लिया इसका, और मशरूम का फिर मैंने अपना खुद का फार्म लगाया जो कि ऑफिसपुर की तरफ है, एनिया में मेरा छोटा प्लाट है, उस पर लगाया जिसको आप वीडियो में देख पाएंगे। और इस पर मुझे केवीके की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला, और दूसरे भी जो पहले के प्रशिक्षित हैं श्री विपिन बिहारी जी, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है, जिनके सहयोग से मैं काफ़ी अच्छा कर पाया हूँ और उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरे ख्याल से बेरोजगारों के लिए ये कम लागत में अच्छी मुनाफा देने वाली बिजनेस है, और युवा लोगों को इसमें आना चाहिए, और इसमें बहुत सारी किस्में भी हैं जिसको करने से आप पूरे साल इसका उत्पादन कर सकते हैं। अलग अलग जैसे ढींगरी है और मिल्की है, और भी इसकी सारी किस्में हैं जो पूरे साल लगाई जा सकती हैं, जिनका उत्पादन करके आप स्वरोजगार कर सकते हैं।